हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नमकीन चावल जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और ये एकदम हल्का फुल्का नाश्ता है। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हो। तो आइए नमकीन चावल बनाना शुरू करते हैं। नमकीन चावल बनाने के लिए मैंने एक बड़ी साइज की कटोरी चावल लिए हैं और इनको अच्छे से धोकर तैयार कर लिया है। और मैंने इनको धोने से पहले 10 मिनट के लिए गला दिया था, उसके बाद धोकर तैयार किया है। इस साइज की कटोरी इसमें एक कटा हुआ प्याज, आधा छोटा नींबू, एक टमाटर, एक आलू और दो हरी मिर्ची। अब हम नमकीन चावल बनाना शुरू करेंगे। तो आइए नमकीन चावल बनाना शुरू करते हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा और इसको हम हल्का चटकने देंगे। मेरा तेल गरम था तो मेरा जीरा, हमारा जीरा सिक चुका है। अब मैं इसमें एक कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी और इसको हम हल्का कलर चेंज होने तक सेक लेंगे। और प्याज के साथ ही मैं दो कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर दूंगी जिससे ये साथ के साथ पक जाए। और इनको एक दो मिनट के लिए हम इसी चम्मच की सहायता से चलाते हुए सेक लेंगे। हमारे हरी मिर्ची और प्याज सिक चुके हैं। अब मैं इसमें एक आलू जो मैंने बड़े बड़े पीसेज में कट करके रखा था उसको भी डाल दूंगी और उसको भी चमचे की सहायता से चलाते हुए एक मिनट के लिए हम इसी तरीके से भून लेंगे। हमने एक आलू को भून लिया है। अब मैं इसमें एक कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर दूंगी और इसको हम थोड़ी देर के लिए चमचे की सहायता से इसे भी सेक लेंगे, एक मिनट से भी कम टाइम के लिए, क्योंकि टमाटर जल्दी पक जाता है, गल जाता है, इसलिए हमें इसे कम सेकना है। हमारे टमाटर आलू प्याज पक चुके हैं। अब मैं इसमें एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार एक छोटी चम्मच और हल्दी 1/4 छोटी चम्मच। हल्दी हमें चावलों में कमी डालनी होती है, कलर लाने के लिए डालते हैं सिर्फ। और आधी छोटी चम्मच हम इसमें, आधी से भी कम, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर हम इन सभी मसालों को चमचे की सहायता से अच्छे से मिला देंगे। और इसमें हम 1/4 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से ही हमें इन्हें चलाते हुए पकाना है आधा मिनट के लिए। आधा मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसको भी हम चमचे की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम कम आंच पर इसको पका लेंगे मसाला, जिससे अच्छे से पककर तैयार हो जाए। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें जो चावल गला कर रखे थे, धोकर रखे थे, उनको डाल दूंगी। इस तरीके से हम सभी चावलों को डाल देंगे। मैंने सभी चावलों को कुकर में डाल दिया है और मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें दो कटोरी पानी ऐड करूंगी। जैसे कि मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं तो उसमें मैं उसका डबल पानी ऐड कर दूंगी। और इनको पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चम्मच की सहायता से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें आधा नींबू का रस भी निचोड़ दूंगी। नींबू का रस निचोड़ने से हमारे चावल खिले खिले बनेंगे, चिपकेंगे नहीं। अब हम ढक्कन बंद करके इन चावलों को दो सीटी आने तक पका लेंगे। कुकर में दो सीटी आ चुकी हैं। अब हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है।
अब हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे चावल बने हैं। अब हम इनको 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। अब हम इनको एक प्लेट में सर्व कर देते हैं इस तरीके से। तो यदि आपको हमारे नमकीन चावल की रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।